अभी महाबलेश्वर पापा के लिए भेजा है। नहीं होता, मैं पूरा घूमता, मेरा काम ही यही है। बेवकूफ से बनाओ जो बेवकूफ बनता है। गुड मॉर्निंग, आज दिन हो गया है 1st of February, यानी दिन कौन सा है वो तो मुझे नहीं पता, मंडे ट्यूसडे है पता नहीं, पर 1st February है और यहाँ पे शोर आ रहा है इसलिए अंदर चलते हैं। और मैं हूँ इस समय कोल्हापुर में हूँ, और आज का जो डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो गणपति फुले जो यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, एडिट फिनिश किया है तो मैं अभी बस रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख रहा हूँ, और वक्त हो रहा है 8:50 9 बजने वाले हैं, करीबन 9 बजे निकलूँगा। और भाई क्या बताऊँ, मैं नींद बहुत अच्छी आई है यार। कोल्हापुर में कल रात को ना कुछ लोगों से मिला, कुछ मतलब बच्चे ही हैं मुझसे एज के हिसाब से बच्चे हैं, अदरवाइज दे वर वेरी नाइस, देर एज लाइक एज मी। मैं बड़ा फंबल कर रहा हूँ आज, जब भी मैं किसी की बात करता हूँ ना तो मैं फंबल करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कहीं कुछ गलत शब्द ना निकल जाए मुझसे, या कुछ रॉन्ग शब्द ना निकल जाए, मतलब वही चीज़ है। तो बाकी मामला कुछ ये है कि बॉडी फ्रेश हो चुकी है और गणपति फूले जा रहे हैं। गणपति फूले इज़ फेमस फॉर अ गणेशास टेम्पल, वहाँ पे एक बहुत फेमस गणेशा का टेम्पल है, वहाँ भी हम जाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि वहाँ पे एक धर्मशाला है, वहाँ पे रूम लेने की, मतलब उन्हीं टेम्पल वालों का ही, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, वरना किसी होटल में रहेंगे। और मतलब आज का जो मौसम रहेगा, आज पूरा बीची नेचर, मतलब बीच पे एकदम शाम को होपफुली पहुँच जाएंगे। तो बस बाकी सब ये सब है, सामान हिसाब किताब कुछ ऐसा है, इसे करना है सेट। गाड़ी की हालत देखो, गाड़ी धूल इतनी पड़ी है ना, ये देखो मेन रोड में खड़ी करने से यही होता है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी है। चलो अभी क्लीन करके आराम से मिलते हैं। हेलो भाई साहब, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू काका। चलो राम प्यारी तैयार है। राम प्यारी क्यों है, गजगामनी नाम है यार। बहुत मिट्टी थी, मतलब अभी भी मिट्टी लगी हुई है, मैंने किसी तरीके से जुगाड़ करके उसे डस्टिंग कर दी हल्की हल्की, लेकिन चलो अभी। माइक चेक 1 2 3। ऑलराइट, सो यहाँ से निकल रहे हैं, कल पंगा हो गया यार, कल माइक में पूरा ऑडियो ही नहीं आया यार, अलग टेंशन हो गई यार। जब माइक में ऑडियो नहीं आता ना तो बहुत हो जाता है, तो यार सॉरी भाई, जिन लोगों को जो मेरे को दोस्त मिले थे कल उनका ऑडियो नहीं आ पाया, मैंने वीडियो तो डाल दिया तो सॉरी यार, क्योंकि इसमें मैंने चेक नहीं किया था और कल ही मैं चेक करके नहीं निकला था, जनरली मैं चेक करके निकलता हूँ। तो एनीवेज फाइनली यहाँ से हो गए सेट, ये है सोलंकी लॉज और अब यहाँ से निकल रहे हैं। मैं GPS सेट कर लूँ एक बार बस जल्दी से। राइट, तो सेट कर लिया है, हम जा रहे हैं पन्हला फोर्ट, यहाँ पे फेमस है, किसी ने मेरे को बोला है प्लीज़ अब आप आए हैं तो यहाँ से वहाँ से होते हुए जाएं। तो जाना कहाँ है, आई थिंक इसी तरफ जाना है। ओके बोलो, हर 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 महादेव। चलो एंड वी आर ऑल सेट। ओके, हेलमेट का स्ट्रैप बंद करना भूल गया हूँ, तो स्ट्रैप भी बंद करना पड़ेगा। और एक मिनट यार, रुक जाओ, रुक के करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है आई एम गज। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हम हमारे तो नाम में मंगल है प्रभु। एक सांस में बोल दिया। तो भाई कोल्हापुर अच्छा है वैसे यार, एक्चुअली कंपैरेटिवली कोल्हापुर इज बेटर सिटी देन सोलापुर, आई डोंट नो, सोलापुर मैंने घुमा ही नहीं एक्चुअली, पर सबकी अपनी अपनी अहमियत है। मैं जाऊँ कहाँ पे भाई, सीधे ही बोल रहे, तो 240 मीटर से राइट जाने बोल रहे, यहाँ से सीधा ही जाना है। ये कोल्हापुरी चप्पलों के लिए मशहूर है, अगर आप देखोगे ना तो ये कोल्हापुरी चप्पलें हैं पूरी, यहाँ से पूरी ये देखो। अभी हम जहाँ जा रहे हैं पन्हाला फोर्ट, वो कहते हैं कि वो शिवाजी का था, अब उसके बारे में हिस्ट्री क्या है वो आप गूगल कर लो प्लीज, हमसे ना पूछो। अरे काका, और ये निकल जा 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 निकल जा
हम जीपीएस बाबा की मदद लेते हुए सिटी शहर के अंदर मैं जीपीएस की मदद ले लेता हूँ, वैसे तो हर जगह लेता हूँ, लेकिन इस ट्रिप में मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कम जीपीएस यूज करें उतना अच्छा है। अरे भाई साहब, महादेव 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 महादेव, यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे है पन्हाला। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, आज की राइड जो है ना बड़ी ही आरामदायक होने वाली, क्योंकि केवल 150 किलोमीटर की राइड है, तो 22 किलोमीटर जिसमें से पन्हाला है, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक मिली जाएगा अपने को। अली अरे 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 सो तो मैं कल भी गया था बिना एडिट किए, मतलब कम से कम ट्रांसफर कर लिया था, लेकिन सुबह उठ के एडिट कर ही लिया एक एपिसोड। सही है, अगर सुबह उठ के भी एक एपिसोड एडिट कर लो ना तो चलता है। सही था, मतलब हो गया एडिट, मूड किया और कर दिया। कल रात को तो कुछ मन ही नहीं कर रहा था भाई, हड्डू ने ऐसा कुदाया था, ऐसा कुदाया था, ऐसा कुदाया था कि हम ही कूद गए थे भैया। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा प्लान था आज 8 बजे निकलने का, सुबह की 8 बजे निकल जाएंगे ताकि 10-10:30 बजे तक, या 10:30 नहीं तो 11-11:30-12 बजे तक पन्हाला होते हुए पहुंच जाएंगे, लेकिन एडिट करने बैठ गया 8:30 बजे तो नहीं, 7:30 बजे मैं एडिट करने बैठा हूँ और 9:30 बजे एडिट कर लिया। भाई साहब पूरा ट्रैफिक रोक के रखा है बैलगाड़ी ने, मां कसम हद हो गई। इसीलिए बैल मस्त होते हैं भाई, अपनी धुन में चलेंगे। नहीं सही भी है ना भाई, यहाँ से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। कर दिया जी, ओवरटेक कर दिया। एक वो बंदा थोड़ा सा अटक गया मामला, लेकिन ठीक है, ये एल भाई साहब जा रहे हैं, इनसे भी निकालना पड़ेगा। और ये निकाल दिया, रुक जा छोटू रुक जा, ऐसे अगर धीरे धीरे चलूंगा तो फिर तो धीरे धीरे चलता रहूंगा, मतलब सिटी में ट्रैफिक हो रहा है, लोग देखो सिटी की तरफ ही आ रहे हैं सब। काहे की एंट्री फीस? वो तो ऐसे ही गया तो किस चीज की एंट्री फीस है मुझे बताओ ना, कहा लिखा है देखो, किस चीज का ये? किस चीज का है? अभी आप हिल स्टेशन आ गए ना, क्या करने आ गए? हिल स्टेशन पर आ गए। हिल स्टेशन पर एंट्री, अभी महाबलेश्वर पापड़ के लिए नहीं होता, मैं पूरा घूमता, मेरा काम ही यही है, मेरा काम ही यही है, घूमना ही मेरा काम है, मेरा काम ही यही है भाई, कहीं फीस नहीं होता। बेवकूफ से बनाओ जो बेवकूफ बनता है। अभी आप फोर्ट पे घूमने के लिए आए ना? मैं फोर्ट पे घूम रहा हूँ, पूरा मैं रोड पे घूम रहा हूँ। अभी आप रोड पे किस चीज का एंट्री फीस? कमर्शियल व्हीकल का होता है एंट्री फीस, इतना मुझे पता है, कमर्शियल व्हीकल का होता है, टूरिस्ट का। मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं राइड कर रहा हूँ भाई, मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ, मैं ऐसे फीस दूंगा तो मैं पागल हो गया। टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स किसका होता है? रोड पे टोल टैक्स बाइक का होता है? टोल टैक्स नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, टोल टैक्स जो होता है वो किसका होता है? टोल टैक्स होता है किसका होता है? हाँ समझे, टू व्हीलर का कहीं कोई टैक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? हाँ क्या लिखा है देखो, किस चीज का? अच्छा फीस लगता है? लगता है दोस्त? पर ये कहाँ जाने का है मुझे पहले ये बताओ, ये किधर जाने का फीस है? पन्हाला फोर्ट। तो ये क्या है? पन्हाला फोर्ट है सर। अच्छा कितना आ गया अभी पन्हाला फोर्ट? बाइक ऊपर तक जाएगा? एक मिनट भाई, ब्रेक दबाना जरा। सब जगह मुझे नहीं पता था यार, ऊपर तक जाएगा? पूरा गढ़ घूम सकते हैं? उधर 10 लिखा है, अरे उधर देखो क्या लिखा है, तो पैसेंजर और विजिटर ट्रैवलिंग एंड कमिंग इन पब्लिक व्हीकल ऑन अ स्कूटर मोटर, भाई सब लिखा है ना वो देखो। अरे मेरे भाई मोटर बस टेम्पो ट्रक लिखा है वो, ये देखो क्या लिखा है, हाँ कब कमिंग इन अ पब्लिक व्हीकल ऑन अ स्कूटर मोटर, क्या ये पढ़ो ना दूसरे नंबर पे क्या लिखा है सार, हाँ तो अरे क्या है ये लो, अभी ये आगे कहीं दिखाने का है, ये आगे कहीं दिखाने का पर्ची
नहीं नहीं पर्ची आगे कहीं दिखाने गए नहीं ना, चलो थैंक यू यार, चलो सॉरी मुझे नहीं पता था भाई, तो बहस करनी पड़ी वरना, क्योंकि क्या होता है हर जगह आजकल पैसा लेते हैं यार। फोर्ट पर भी साहब? नहीं जो अंडर एंट्री करने का फोर्ट पे। नीचे आपको पर्ची दिए ना? हाँ दिया। वहाँ से किला चलो, गाइड चाहिए आपको? वहाँ से किला जरूर, मतलब किले पर हर पॉइंट पर गाड़ी फिरती है। हाँ तो वो कहाँ है पॉइंट? नहीं यार गाइड में कहाँ, मैं बाइक पे जाना है मेरे को। गाइड लेंगे ना तो ये बाइक पूरे किले पर घूम सकती है, यहाँ अलग अलग जगह पर स्पॉट है, हिस्टोरिकल प्लेस है। हाँ नहीं 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 गाइड का क्या करूँगा यार मैं, जानकारी मिलेगी ना? नहीं जानकारी क्या करना है, अपने को आना है बाहर से देखना है निकल जाना है, जानकारी का टाइम ही नहीं है ना। तो कहाँ से है रास्ता? सीधा ऐसा? हाँ अच्छा थैंक यू दोस्त। सो देखते हैं कहाँ कहाँ जाती है, तीन दरवाजा कहाँ जाती है बाइक, कैसे जाएंगे? उधर से रास्ता, इधर से रास्ता, इधर से है। ओके ओके दही वो आ गए भाई। ओ बेटे बस भी है यहाँ तो। अच्छा जी ये देखो इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी है भैया, सब कुछ है, ये सही चीज है यार। हो ओके लेट्स जस्ट वॉक इन, यू गाइस आर रेडी? I'm just walking through and just showing you where. क्या हो रहा है मेरी इंग्लिश को क्या हो गया सडनली भाई, अब हिंदी में बात करते हैं। तो यहाँ से व्यू पॉइंट है, लेट्स जस्ट सी। ओके बहुत कोहरा है तो दिखाई नहीं दे रहा है सच। ओके लेट्स गो टू अदर प्लेस, आई डोंट नो व्हाट ऑल इज देयर, प्रॉब्ली सनसेट यहाँ पे जो होता है वो अच्छा होता होगा, यू नो सनसेट वुड बी मच बेटर। ऑलराइट सो लेट्स जस्ट मूव। ऑलराइट ओके डन, ओके थैंक यू। ऑलराइट लेट्स फिगर आउट अनदर प्लेस, आई नीड टू go, let's just walk and let's, what is this place? I'm not keeping any camera with me, I'm just like walking through so you can see how I see things. Oh so probably wahan se rasta hai. तो एक ही कैमरे से आपको देखना पड़ेगा, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, मैं कैमरा यूज़ कर ही नहीं रहा दूसरा। दिस इज डबल बाईसाइकिल थिंग, दो बंदे से चला सकते, मैंने एक फिल्म में देखी थी ये वाली बाइक साइकिल। तो ये जगह है तीन दरवाज़ा, ये प्रॉब्ली तीन दरवाज़ा, इसे क्यों कहते वो तो पूछना पड़ेगा, पर तीन दरवाज़ा कहते हैं इसे। ओके probably I don't know whether I can take my bike inside or not, but let's just go and see how it looks with bike tour de raha hu aapko, aur kya chahiye yaar. Oh okay bike aati bhi hai yahan se bhai, this is superb, nice stuff eh? हॉर्न बजा दो पता चले वो सुपा सुपा जबरदस्त आए यहां से निकले हैं। ओ भाई साहब ये एकदम नीचे को जा रही है भाई, ये कहां जा रही है सर? ओ तेरी ये तो गड़बड़ हो गया था मामला, यार मैंने एकदम से क्लच छोड़ दिया और गियर छोटा पड़ गया, ये कहां जा कहां रहे हैं नीचे यार, वापस भी आना। ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ये है क्या, चले भाई साहब ये बहुत ऊंचा नीचा वाला मामला है, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, चलो देखते हैं। ओ बेटे छोटा गियर कीप स्लो कीप स्टडी, मेरे को जब से मैं उसमें घुसा हूं ना तब से थोड़ा सा धीरे धीरे चलने में, और धीरे भी रिस्की लग रहा है मुझे, इट्स वेरी रिस्की यार, एकदम ये नीचे जा रहा है।
स्लोप्स डेंजरस है, यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। मैं एकदम एक नंबर पे उतार रहा हूँ गाड़ी को, पता है। ओ बेटे ओ बेटे, तो ये हिल स्टेशन है इसीलिए बोला गया। तो पनहला घूम लिया भाई, अब नीचे उतर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है मुझे वापस जाना पड़ेगा, पता चले एकदम ही नीचे उतर जाए। ओ बेटे, किला बंद है। हाँ तो घूम जाऊं। ओके थैंक यू। तो ओके, जैसा कि मुझे लग रहा था कि रिटर्न, थैंक यू, वापस ही जाना पड़ेगा। अच्छा मैंने पूछ लिया, सो गलत तो नहीं पर ठीक है। अब इसे चढ़ाओ चढ़ाओ, चढ़ाना इजी है, उतारना बहुत रिस्की होता है। तो जब भी आप ऐसे जगहों पे आए ना, तो ये याद रखना कि हमेशा चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, उतरना जो होता है ना इट्स मोर रिस्कियर, क्योंकि क्या होता है ना बाइक को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चाय वाला है, बड़ा फेमस चाय यहाँ पे है। अब कोल्हापुर में आए हैं तो वो चाय उसकी पी लेते हैं। मैंने बहुत जगह वहाँ भी पोस्टर देखे, कहाँ था ये, है यही है यही है, अमृतमय चाय बोलते हैं इधर, सलगर अमृत अमृत तुल्य चाय। चलो एक चाय पीते हैं, वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ लेकिन अब यहाँ आए हैं तो पी लेते हैं एक कप चाय। एक कप चाय पियेंगे हम और फिर निकलेंगे अपने स्थान पे। चलो भाई भैया एक चाय देना। भाई चाय तो अच्छी है यार, वर्थ है। नो वंडर इसे देखो क्या बोलते हैं, सलगर अमृत तुल्य चाय, अमृत के समान। पनहला घूम लिए, मतलब ऐसे में कहीं अंदर नहीं गया, केवल मैंने बाइक को घुमा दिया और जहाँ जहाँ जा सकता था बाइक लेके वहाँ वहाँ गया। अननेसेसरी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि अपने को फिर आगे भी निकलना है। और बाकी सब बढ़िया है, जगह अच्छी है यार। ये हिल स्टेशन है तो जो नीचे मुझसे पैसे ले रहे थे एंट्री टिकट, जो मुझे समझ में नहीं आया था, वो एक्चुअली वर्थ है। ठीक है यार, बनता भी है वो लेना। ये मैंने इन भाई साहब को भी सब्सक्राइब करवा दिया और भाई साहब मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। भाई साहब आपका नाम क्या है? सुनील पाटिल। सुनील पाटिल साहब हैं यहाँ पे अमृत तुल्य चाय बेचते हैं, और वाकई मजाक नहीं कर रहा, ज़बरदस्त चाय है, मतलब ज़बरदस्त चाय है भाई। मैं तो ये दूसरी चाय पी रहा हूँ, जो आदमी चाय नहीं पीता वो दूसरी चाय पी रहा है, तो समझ लो। तो अगर आप लोग पनहला आ रहे हैं तो यहाँ के चाय ज़रूर पीजिए। पाटिल साहब के यहाँ बाकी सब बढ़िया है। चलो भाई हो गया अपना दर्शन और चाय हो गई, भाई को मैंने काम पे लगा दिया। भाई मस्त वीडियो देख रहे हैं और अच्छा यार, देखो शेयर भी करो भाई, ऐसे होते हैं ईमानदार सब्सक्राइबर भाई, तुम लोग भी करो समझे। वैसे तो सभी हो ईमानदार मेरे, खास हो सबके सब, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करो भैया, फैलाओ फैलाओ सब्सक्राइबर्स, बढ़ाओ बढ़ाओ। चलो निकलते हैं और यहाँ से अब 130 या 40 किलोमीटर का रास्ता बचा है, और यहाँ से हम गाड़ी को करेंगे स्टार्ट, इसको करेंगे और बाय बाय करेंगे हमारे भाई साहब को, और ये क्लोजर स्माइल दिए हमारे भाई ने। चलो, और ये कौन है, ये कौन है भाई? ओहो जबरदस्त है भैया, जो भी है कौन, लेकिन पेशवा पता नहीं। सही में बताऊँ ये चाय वैसी थी, वो मुझे लगा किसी, मेरी सिस्टर रमा दी हैं वो चाय बनाती हैं, मतलब उस लेवल की चाय थी, तभी मैं पी गया, वरना जनरली मैं चाय पीता नहीं। पर मेरी दीदी जो चाय बनाती हैं, मैं अब आप बोलोगे कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वाकई मेरी बहन जो चाय बनाती है ना भाई, मतलब अलग ही लेवल की है चाय, मतलब चाय में चाय कम दूध ज़्यादा होता है वो। तो वही वाला हिसाब किताब था, मलाई और दूध ज़्यादा था, चाय का टेस्ट कम था। हाँ इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, सच्चाई है, समझे क्या? ओ तेरी, आराम से आराम से आराम से, ये देखो कैसा सांप की तरह रास्ता, पूरी वादियाँ हैं, वादियाँ, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है।